दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियोज में हम हमेशा आपको कुछ हट कर दिखाने का प्रयास करते हैं, और इसी वजह से मैं तेजल आज आप सबके लिए कुछ मजेदार फैक्ट्स लेकर आई हूँ दबंग इस फ्रेंचाइजी के बारे में। दोस्तों, चुलबुल पांडे के इलेक्ट्रोफाइंग डांस मूव्स को देखते हुए ये स्पष्ट था कि उन्हें कोरियोग्राफ नहीं किया जा सकता। ये नेचुरल डांस है जो अंदर से आता है। यह जयपुर में एक शादी थी जिसने सलमान को इन पागल कदमों से परिचित किया था। अब एक असली पुलिस वाला माइकल जैक्सन की तरह मुश्किल से डांस मूव्स कर पाएगा। जयपुर में शादी में सलमान ने एक अतिथि से नृत्य चाले ली, जो हास्य तरीके से नृत्य कर रहे थे। जब सलमान ने उनका अनुकरण करना शुरू किया तो भाई साजिद और वाजिद भी शादी में मौजूद थे। बाद में सलमान ने एक 80 वर्षीय भरत मामा को देखा जिन्होंने अपने बेल्ट के साथ नृत्य कदम दिखाया। सलमान ने तुरंत उस आदमी से कहा कि वह इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जबकि भरत मामा ने मजाक में कहा कि वह उस पर मुकदमा करेंगे, और बाकी जैसा कि वह कहते हैं इतिहास है। सलमान को कहीं से भी प्रतिभा चुनने के लिए जाना जाता है। उन्होंने एक समारोह में सोनाक्षी सिन्हा को नाचते हुए देखा था और उन्होंने अपने रज्जों को दबंग के लिए चुन लिया था। शुरुआत में सोनाक्षी सिन्हा ये बात सुनकर हैरान थी, लेकिन वह इस तरह से प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर सकती थी। हालांकि उसने अपने चरित्र के आकार और त्वचा में उतरने के लिए 30 से अधिक किलोग्राम वजन कम किया था। दोस्तों, यदि कुछ आइटम नंबर्स जग प्रसिद्ध है तो मुन्नी बदनाम हुई उसमें से एक बेशक होगा। ललित पांडे द्वारा लिखित मुन्नी बदनाम हुई भोजपुरी लोकगीत लौंडा बदनाम हुआ नसीबन तेरे लिए से प्रेरित था। भोजपुरी सिनेमा में इस गाने को कई बार रिसाइकल किया गया था। बप्पी लहरी ने 1995 की फिल्म रॉक डांसर में भी अपना संस्करण बनाया था। 1993 में पाकिस्तान में भी अपने स्वयं के गीत मिस्टर चार्ली में लड़का बदनाम हुआ शीर्षक से एक प्रसिद्ध कवयित्री उमर शरीफ के साथ एक कव्वाली शैली में इस गीत का निर्माण और निर्देशन किया गया था। भोजपुरी या पाकिस्तानी संस्करण के लिए सम्मान के साथ मुन्नी बदनाम हुई सबसे अच्छा था। बेशक दोस्तों, मुन्नी जहां भी जाती है सबको बदनाम करके आती है। तो दोस्तों, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर आपका फेवरेट दबंग का सीक्वल कौन सा था। तो इसी के साथ वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि ऐसी चटपटी चीजें आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो इसी के साथ मैं तेजल आप सबसे इजाजत लेती हूँ।